श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, मेरे शिव परिवार के सदस्य सभी सकुशल होंगे, खुश होंगे, इसी आशा के साथ आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ दोस्तों की गुप्त नवरात्रि कब से है और इसका कितना ज़्यादा महत्व है। अपने घर से एक चीज़ आप किसी को भी भूल के मत देना। लक्ष्मी, व्यापार और नौकरी चाहिए तो आप एक उपाय गुप्त रूप से जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। साथियों, वर्ष भर में दो गुप्त नवरात्रा आती है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रा का अत्यधिक महत्व है। इस समय की गई साधना तंत्र विद्या का बहुत फल मिलता है, पर हमें ये सब कुछ नहीं करना है। हमें क्या चाहिए? हमारे घर में सुख शांति समृद्धि चाहिए, तो हमें क्या करना है? हमारे घर में हमें यज्ञ करवाना चाहिए, हवन अनुष्ठान करवाना चाहिए। उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन पूरे घर में फैलती है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप हवन अनुष्ठान नहीं करवा सकते हो तो आपको क्या करना है, एक कपूर लेना है, उसमें आपको 3 लौंग डाल देना है और पूरी गुप्त नवरात्रा पर आपको शाम के समय यह अपने घर में घुमाना है। गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो रही है 30 जून से लेकर के 8 जुलाई तक गुप्त नवरात्रा रहेगी, तो आप इन 9 दिनों में यह कार्य जरूर करिए। अगर आप थोड़ा और ज़्यादा कुछ करना चाहते हो तो अपने घर पर 5, 11, 21 या 51 आहुति गुप्त नवरात्रा में जरूर दीजिए, जिससे आपको जो चाहिए वह कामना आपकी पूरी होगी। चलिए चलते हैं गुप्त उपाय की तरफ। आपको क्या करना है गुप्त नवरात्रा में? बेल वृक्ष के नीचे आपको एक घी का दीपक शाम के समय 8 बजे लगा करके आना है। मन में यह भाव करना है, माँ जगत जननी जगदम्बा, दुर्गा मैया, लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया, आपके नाम का दीपक मैं लगा रहा हूँ। अपना नाम व गोत्र बोलना है और उनसे अपने घर में सुख समृद्धि रहे ये कामना करनी है। लक्ष्मी चाहिए तो वो कामना करो, व्यापार बढ़ाना है तो उसके लिए कामना करो, नौकरी चाहिए तो उसकी कामना करो। लगातार 9 दिन तक फिक्स 8 बजे एक समय आप चुन लीजिए, 8 बजे के आसपास का ही समय होना चाहिए, आप फिक्स उसी समय पर जा कर के लगाएं। यह गुप्त रखना है, किसी को आपको इस उपाय को बताना नहीं है। यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है। नवरात्रा में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और एक चीज़ अपने घर से किसी को नहीं देनी है। रात्रि के समय आप कपड़े बाहर बिल्कुल नहीं सुखाएंगे और अपने बालों को आप इधर उधर नहीं डालेंगे। और एक चीज़ हमारे घर से हमें किसी को नहीं देनी है, वह है दोस्तों झाड़ू। झाड़ू हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, तो गुप्त नवरात्रा में विशेष रूप से आप झाड़ू नहीं दीजिए। वैसे भी झाड़ू किसी को नहीं देना चाहिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे औरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। हर हर महादेव। जय श्री कल्याण।